नमस्कार मो प्रिय छात्र छात्री माने, आज आम डिस्कशन करिबा केमिस्ट्री उपरे। केमिस्ट्री गोटे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आ बहुत इजी टॉपिक, साइंस रो गोटे पार्ट। साइंस रो जेभली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आउ किछि मात्र कंप्यूटर साइंस आमर रेलवे NTPC किंबा रेलवे ग्रुप डी किंबा रेलवे ALP रे अछि, ता मध्यरु केमिस्ट्री होची बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। केमिस्ट्री घोषिबार कौन से आवश्यक न थाए, केमिस्ट्री केवल आम बुझा। चलो स्टार्ट करिबा। केमिस्ट्री रो संज्ञा होची द स्टडी ऑफ केमिकल इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिकल उपर अध्ययन करने को आमको कह जाए केमिस्ट्री। स्क्रीन उपर दुईट इमेज अच्छी, फास्ट वन इज रॉबर्ट बॉयल, सेकेंड वन इज आंटोनी लाभोइजर। प्रथम जनक रॉबर्ट बॉयल जे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, सेकेंड वन इज आंटोनी लाभोइजर जे कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। सिमिलरली फादर ऑफ रु गोटे क्वेश्चन आसे एग्जाम रे, जमीती कि फादर ऑफ हिस्ट्री हीरोडोटस, हीरोंगो ऊपर आमे हिस्ट्री पढ़ुचे से हीरोडोटस, फादर ऑफ ज्योग्राफी इराटोस्थेनिज, फादर ऑफ बायोलॉजी आरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलोजी मध्य आरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। सिमिलरली केमिस्ट्री आमे कौन फास्ट मैटर उपर जानिबा, मैटर माने कौन पदार्थ, जमी फिजिक्स रे प्रथम आमे यूनिट डायमेंशन उपर जानिबा, सेमती केमिस्ट्री रो प्रथम रु ही मैटर उपर जानिया को पड़िबो। मैटर रो संज्ञा होची मैटर इज एनीथिंग दैट हाविंग सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। मास आउ स्पेस आम बुझा, मास कौन आउ स्पेस कौन, पदार्थ माने कौन, पदार्थ माने तुम चारिपटे जहाँ भी देखुच सब गोटे गोटे पदार्थ जे कि स्पेस जगह अधिकार करुच्छी। जदि गोटे क्लासरूम 50 पिलार जगह अच्छी, मु कहबी 100 जन पिला कौन रही पारे कि बसी पारे कि बसी पारे ना, कहीं समस्त किसी ना कि स्पेस थाए। मास माने कौन वस्तुर वस्तुत्व को कहा जाए मास। कौन सी पदार्थ को आम जदि फोपाड़ा उपर को से आसिक तले पड़ू ता मैंने वस्तुर वस्तुत्व किसी अच्छी। किंतु ओजन, ओजन जहाँ को आम इंग्लीश कह वेट, वेट साधारणत मास आउ वेट देखिबा भली एका भली बट आकाश पाताल फरक। वेट माने कौन, वेट होची ओजन, मास होची वस्तुर वस्तुत्व। वेट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी, मास इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, मास इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। ता माने कौन एग्जाम रे आसे, जदि कौन सी लोकर ओजन पृथ्वी पृष्ठ रे 60 केजी थाए ताहले चंद्र पृष्ठ रे केते हबो 10 केजी, काहेकि ना वेट वेरिएबल क्वांटिटी, वेट डिपेंड अपन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी जहाँ को आम कहे स्मॉल जी। बट मास इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, मास केबे भी चेंज हबो नाही। आमर मास यार्थ रे जदि 20 केजी हैला ताहले जुपिटर मध्य 20 केजी हबो, सटन मध्य 20 केजी हबो, सन मध्य 20 केजी ही हबो। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, वेट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी, वेट इज ए फॉर्म ऑफ फोर्स, वेट डिपेंड अपॉन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी। मैटर साधारणत दुई भागरे विभक्त करा जायछि। मैटर इज क्लासिफाइड बिटवीन फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकली, फिजिकली माने कौन जोटा कि आम छुई पारिबा ताको कहा जाए फिजिकली। केमिकली माने कौन जहाँ को आम छुई पारिबानी। फिजिकली क्लासिफिकेशन कौन आउ केमिकली क्लासिफिकेशन कौन। फिजिकली साधारणत तीन भागरे मैटर को विभक्त करा जायछि। फास्ट वन इज सॉलिड स्टेट, सेकंड इज लिक्विड स्टेट, थर्ड वन इज गैस स्टेट।
कठिन तरल ग्यासीय, कठिन अवस्था तरल अवस्था ग्यासीय अवस्था, कठिन अवस्था माने आमे जदि गोटे एग्जांपल मा बरफ, तरल अवस्था जदि आमे एग्जांपल मा जल, आउ ग्यासीय अवस्था जदि आमे एग्जांपल मा बाष्प, ताहले जेतेबेले कठिन अवस्थारु कौनसी वस्तु तरल अवस्था को जाए से प्रोसेस को कौन कहिबा, तरल अवस्थारु जेतेबेले कौनसी वस्तु ग्यासीय अवस्था को जाए से प्रोसेस को कौन कहिबा, एसबु ही एग्जाम रे आसे। आउ से प्रोसेस को आमे कौन कहिबा, से पद्धति को आमे कौन कहिबा, चलो देखिबा। जेतेबेले आमे कौनसी सॉलिड अवस्था किंबा कठिन अवस्था बरफ रु जल को कन्वर्ट करिबा तरल अवस्था को आमे कौन करिबा, सिंपली आमे ताकु हीट दे देबा। हीट देबा फल रे कौन हबो ना, से बरफटा तरल जीव जल रे कन्वर्ट हो जीव, से प्रोसेस को कौन कहिबा ना लिक्विफिकेशन। लिक्विड रे कन्वर्ट होला लिक्विफिकेशन, मेल्टिंग हला मेल्ट हला मेल्टिंग, से प्रोसेस को जाय कौन लिक्विफिकेशन और मेल्टिंग। आमे जेतेबेले लिक्विड स्टेट को गैसियस रे कन्वर्ट करिबा, बाष्प रे कन्वर्ट करिबा, कौन करिबा आमे जेतेबेले आमर थंडा होउची आमे कौन स्ट्रीम नौचे, आमे जल को गरम करुचे बाष्प रे कन्वर्ट करुचे, से प्रोसेस को आजे कौन ना इवापोरेशन और वेपराइजेशन। सिमिलरली गैस रु जेतेबेले आमे लिक्विड रे कन्वर्ट करिबा से प्रोसेस को कौन कहिबा, आमको आसीबो नाही, आमे कौन करिबा परीक्षा रे उपरको अनेबा, उपरको अनेला आमको देखा जियो मेघ, मेघटा गोटे गैस, वाटर जल सेटा गोटे लिक्विड, मेघ एकाठी होइगी जल रे परिणत हुवंती, आमे समस्ते जानिचे पिला दुन देखि देखि आसुचे। से प्रोसेस को कौन कहिबा, से प्रोसेस को आ जाए कंडेनसेशन। कंडेनसेशन कंडेन्स हला एकाठी हला, मेघ एकाठी होई पिटी होई वर्षा हो, से प्रोसेस को आ जाए कंडेनसेशन। सिमिलरली लिक्विडटा जितेबेले सॉलिड रे कन्वर्ट हो, आमको जणे कहिले जल निय मते बरफ दरकार, आमे कौन करिबा फ्रीजर रखिबा, फ्रीज रखिबा, फ्रीजिंग, से प्रोसेस को आ जाए फ्रीजिंग। लिक्विडटा सॉलिड रे कन्वर्ट हला, लिक्विड स्टेट रु सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट हला, से प्रोसेस को आ जाए सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन टिके टॉप क्वेश्चन जदि आसीबा उपरे से आमको कौन एग्जामिनर पचारिबो, सॉलिड स्टेट रु डायरेक्ट गैसीय स्टेट हम से प्रोसेस को कौन कहिबा। एग्जांपल विभिन्न अच्छी पिले माने कैम्फर, बेंजोइक एसिड, नाफ्थालीन, एक्स वाई जेड, से माने कौन डायरेक्ट सॉलिड स्टेट रु गैसियस रु कन्वर्ट हुवंती, से प्रोसेस को आज कौन ना कंडेनसेशन। से प्रोसेस को कौन कहिबा कंडेनसेशन, गैसियस स्टेट रु डायरेक्ट 22 वर्षा सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट हवाकु, से प्रोसेस को कौन कहिबा आमे डिपोजिशन, जोटा कि आमे बरफ अंचल देखिबा जम्मू काश्मीर भली एरिया रे संध्या बेले ठीक ठाक थिबो, सकाळे बेसिकि झरका खोलु नथिबो, कबाट खोलु नथिबो, डिपोजिट हे दिया बरफ, सेही प्रोसेस को आ जाए डिपोजिशन। सिमिलरली प्योर सब्सटेंस को साधारणतः आमे दुई भागरे विभक्त करू, फर्स्ट वन इज एलिमेंट, सेकंड वन इज कंपाउंड। मिक्सचर को साधारणतः आमे दुई भागरे विभक्त करू, फर्स्ट वन इज होमोजेनियस मिक्सचर, सेकंड वन इज हेटरोजेनियस मिक्सचर। आमे जेतेले केमिकली क्लासिफाय करिबा केमिकल सब्सटेंस को आमे साधारणतः दुई भागरे विभक्त करिबा, फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस, अदर इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को साधारणतः दुई भागरे विभक्त करिबा, प्रथमटी एलिमेंट, सेकेंडटी कंपाउंड। मिक्सचर को दुई भागरे कले कौन, फर्स्ट वन इज होमोजेनियस मिक्सचर, सेकंड वन इज हेटरोजेनियस मिक्सचर। आमे साधारणतः समस्ते मिक्सचर खाइचे, मिक्सचर किछि मिक्सचर को आमे बारी पारिबानी सेतरे कौन कौन मिसिची, किछि मिक्सचर को आमे देखी कहिदबा कौन कौन मिसिची। जो जिनस जो मिक्सचर को आमे जानी पारिबानी ताहु जे होमोजेनियस मिक्सचर, आमे कहि पारिबानी सेतरे कौन मिसिची, देखै पारिबानी कौन कौन मिसिची। हेटरोजेनियस मिक्सचर आमे देखै पारिबा,
होमोजेनियस मिक्सचर माने कौन चीनी पानी लुण पानी एसब कौन गोटे मिश्रण गोटे सल्यूशन मिश्रण क्या कह सल्यूशन क्या कह द्रव्य द्रावक द्रवीभूत हो द्रवण प्रस्तुति करें पिलादिन आम समस्ते पढ़ीचे द्रव्य द्रव्य माने कौन सल्ट हो सुगार हो द्रावक द्रावक माने जल द्रवण माने चीनी पानी किंवा लुण पानी जो थे कि गोटे चीनी पानी रे कहीं के देखे पार कि चीनी ये अच्छी लुण ये अच्छी कहीं भी देखे पारा ना कहीं से मिले जाए कि हेट्रोजेनस मिक्सचर रे आम जेकोसी जिनस भी खाऊे मार्केट रे बिक्री होता विभिन्न रंग बिरंगर विभिन्न जिनस आम रंग साइंग्विश कर से सबू कह जाए हेट्रोजेनस मिक्सचर कंपाउंड साधारण दुई भाग में विभक्त कराई प्रथम टी ऑर्गेनिक कंपाउंड द्वितीय टी हूँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड माने कौन से वर्ड रे ही मीनिंग थाए जमी ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट माने कौन ट्यूब्र स्ट्रक्चर हो ट्यूबलाइट कौन सी ना तार गुण हो कि जेकोसी कारण जो होता है साइंस मन इच्छा किसी जिनस मन इच्छा हो न थाए आ प्रत्येक जिनसर कि जिके थाए जिके लुची हो थाए जेकोसी पेन टू आरंभ कर लाइट पर्यंत जहाँ भी आम आखपाखे देखुचे आम सबुति जिके अच्छे पेन रु सात आठटी जिके पचारे पेन नीब पेन इज मेड अफ इरीडियम पेन रुनटा कौन याडियम जार आटमी नंबर केते 77 सिमिलरली बल्ब केते प्रकार तीन प्रकार इलेक्ट्रिक बल्ब ट्यूबलाइट बिकन लाइट ट्यूबलाइट रे कौ गैस अच्छी आर्गन गैस प्लस मर्क्यूरी भापर इलेक्ट्रिक बल्ब जोटा कि पोल्ट्री फार्म में यूज करा जाए से कौ गैस अच्छी ओनली आर्गन गैस बिकन लाइट रे कौ गैस अच्छी नियन गैस बिकन लाइट कौट यूज करा जाए एरोप्लेन रे देखिबो हेलीकॉप्टर देखिबो आकाश रे किंबा कौन सी टावर रो ऊपर देखिबो रेड लाइट चिकमिक चिकमिक राति रे करे सेथिरे कौन थाए सेथिरे बिकन लाइट थाए आमर साधारणतः ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड थाए ऑर्गेनिक माने कौन जोटा ऑर्गन रु तैयारी ऑर्गन माने कौन कौन सी जीवित अवस्था गच्छ हौ किंबा मनीष हौ किंबा कौन सी जीवजंतु समस्ते आम ऑर्गन रे तैयारी कार्बन रे तैयारी इनऑर्गेनिक माने जो थे कार्बन न थाए ताहु कहा जाए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड माने कौन जदि बड़ बड़ प्राणी जीव वर्ष वर्ष धरी भूमि तले पोता हो रही जाए थे से आम पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर थाए जदि बड़ बड़ गच्छ बहुत वर्ष धरी भूमि तले रही जाए थे से आम कोईला ग्राफाइड एसबू मिलता है एसबू कहा जाए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को छाड़ीदे जिते सबू सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड आमर विभिन्न पिगमेंट बहुत पिला कन्फ्यूज होता पिगमेंट कौन कलर कौन आम कौन सी जिनस को कलर कहू कलर एक्चुअली भि आई वि जी वाई ओ आर बाघनीस हनाला जोटा कि आम ओडिया कहू ताकु छाड़ी दे कि जिते दुनिया रे देखु सबू है पिगमेंट कलर केवल सूर्य रु सतटी रंग ता व्यतीत सबू है पिगमेंट परीक्षा पचारे धला आ कला कलर कि पिगमेंट योर आंसर इज पिगमेंट कलर नुहे परीक्षा पड़े आमर कलर टीवी रे केतोटी कलर थाए से कलर कौन कह जाए से कलर कह जाए प्राइमरी पिगमेंट सॉरी प्राइमरी कलर रेड ग्रीन ब्लू साधारणतः आमर एलिमेंट एलिमेंट माने कौन ना सेम टाइप ऑफ आटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एलिमेंट नेचुरली आर्टिफिशियल तो बहुत एलिमेंट तैयारी होजी नेचुरली आमर बुक रे आम सिलेबस रे जेतिक अछि 108 टा अछि एलिमेंट 118 एलिमेंट रु मेटल 91 टी मेटालॉइड 7 टी
नॉन मेटल 20 टी, मेटल 91 टी, नॉन मेटल 20 टी, मेटालॉइड 7 टी थाए, टोटल एलिमेंट 118। आमर साधारणतः मेटल मेटल माने कौन, मेटल माने कौन, दे आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर, दे आर बॉन्ड फोर्स भेरी स्ट्रॉन्ग, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज भेरी हाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, दे आर मालेबल नेचर, दे हैव डक्टाइल नेचर, दे आर शाइनिंग इन नेचर। आस्ते 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 आम ओडिया बुझा कौन कौन गुण धारण करे जड़े धातु मेटल, मेटल किसी गुण थी आम मेटल कहू, से गुण गुड़िक एग्जाम पड़े। मेटल प्रथम गुण है मेटल हाथ को कठिन लगी थाए, तार साइज आकार थाए, भल्यूम थाए। जदि गोटे इटा खंडटे मु पिटिकी भांगी देबी ताहले गुंड गुड़िकर मध्य किछि साइज थाए, आउ सेमानकर किछि वॉल्यूम थाए। मेटल मेटल साधारणतः जदि कौनसी कॉइन रे कलंकी लागिले अन्य कॉइन सहित मु घसिले चिकचिक करे, मेटल रो शाइनिंग नेचर थाए, लक्सर नेचर थाए, ग्लेजिंग नेचर थाए, से चिकचिक करि पारे। मेटल कु जदि मु पिटिबी पिटी 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 चादर प्रस्तुत करी परिवि, आमर कबाड प्रस्तुत करी परिवि। मेटल रो सेई गुण कौन कहुए, से गुण कहुए मालेबल नेचर, नमनीयता। मेटल को जदि मु टाणी भी हीट दे कि से तार प्रस्तुति करी हेबो, से तार प्रस्तुति करिवार गुण कहुए तन्यता, इंग्लिश रे कहुए डक्टाइल नेचर। एग्जाम रे कौन आसीबो, एग्जाम रे तो कौनसी डेफिनेशन आसीबोनी, एग्जाम रे आसीबो व्हिच मेटल हैव हाईएस्ट मालेबल नेचर, को मेटल को आमे इजिली प्लेट प्रस्तुत करि परिबा। योर आंसर इज एयू गोल्ड। परीक्षा रे पचारिबो को मेटल साहाज्य मेटल को आमे इजिली तार प्रस्तुति करी परिबा, चेन प्रस्तुति करी परिबा, ब्रेसलेट प्रस्तुति करी परिबा। योर आंसर इज प्लाटिनम, जोटा कि बहुत दामिके, तार अलंकार बहुत कॉस्टली, प्लाटिनम। प्लाटिनम हैव हाईएस्ट डक्टाइल नेचर। पिले माने सबु मेटल नेचर रे कठिन अवस्था रे मिली थाए, एक्सेप्ट एक्सेप्शनल केस होची कौन ना मर्क्यूरी, एच जी मर्क्यूरी, जार आटोमिक नंबर 80, जोटा कि तरल अवस्था रे मिली थाए, मेटल बट तरल अवस्था रे मिली थाए। पिले माने एटा तरल अवस्था रे थाए बट आ उपरे मध्य लुहा भासे, कहीं लुहा टू मर्क्यूर डेंसिटी अधिक, जार डेंसिटी कम सीए भासे, जार डेंसिटी अधिक सीए भसाए। बट एक्सेप्शनल केस होची बरफ, बरफ पानी रे भासे, बरफर डेंसिटी अधिक, पानी रो डेंसिटी कम, बट से भासे ड्यू टू जिगजैग स्ट्रक्चर, ड्यू टू गैस प्रेजेंट इन द होल ऑफ आइस। परीक्षा रे पचारे केते भाग पानी रे बुड़ी की थाए, 1/10, गोटे भाग भासे, 10 भाग बुड़ी की थाए। मेटल रो साधारणतः चिकचिक गुण लक्सर नेचर थाए, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन गोटे नॉन मेटल होइथिले मध्ये चिकचिक करी थाए। मेटल देकी इलेक्ट्रिसिटी जाई पारिबो, बट गोटे नॉन मेटल मध्य इलेक्ट्रिसिटी जाई पारिबो ता ना हला ग्राफाइट। परीक्षा रे पड़िबो को मेटल वाटर रे सॉल्युबल, कैल्शियम, आम बॉडी रे आमे चूना माछ खाइले कैल्शियम पाऊ, कैल्शियम टा वाटर रे सॉल्युबल। परीक्षा रे मध्य पड़िबो
कौ विटामिन वाटर सॉल्युबल? योर आंसर इज विटामिन बी, विटामिन सी, वाटर रे सॉल्युबल। एग्जाम रे पढ़िबो कौ मेटल ब्लड रे सॉल्युबल? योर आंसर इज आयरन। आयरन आम हेमोग्लोबिन थाए से आम रक्त रेड। ज्योग्राफी रे पढ़िबो आमर मार्स रो कलर रेड, ताकु आज रेड प्लानेट काहीकि ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट इन मार्स प्लानेट। नेक्स्ट ला नॉन मेटल। नॉन मेटल माने कौन? अधातु, जे धातुर ऑपोजिट प्रॉपर्टी को धारण करथे। अधातु चिकचिक करे नहीं, अधातु धातु भलिया स्ट्रांग नथाय। अधातु धातुर पूरा ऑपोजिट प्रॉपर्टी है अधातुर। अधातुर साधारणत दुई तीनोटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचार थाए। प्रथम क्वेश्चन है केऊ अधातु तरल अवस्था मिली थाए? योर आंसर इज ब्रोमीन। सॉरी टिके टॉप क्वेश्चन से जदि एग्जामिनर पचारे ताले पचारिबो ब्रोमीन रो कलर कौन? रेड कलर। ब्रोमीन इज ए रेड लिक्विड। एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर ब्रोमीन फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। परीक्षा रे पचारिबो हाउ मेनी एलिमेंट आर लिक्विड फॉर्म अंडर नॉर्मल टेम्परेचर? योर आंसर इज टू। से एलिमेंट कथा पचारि जदि पचार था मेटल कथा गोटे, जदि पचार था नॉन मेटल सी मध्य गोटे, एलिमेंट पचारे दुईटी। परीक्षा जमी बुले पचारू आमर जदि फंडा क्लीयर अच्छी कनसेप्ट क्लीयर अच्छी आम डर ना आम परीक्षा फुल फुल मार्क आणवा। नॉन मेटल, नॉन मेटल गोटे नॉन मेटल तार नाम है आयोडीन, जे कि चिकचिक कर थाए, आउ कौन सी नॉन मेटल चिकचिक करे नहीं। गोटे नॉन मेटल जे कि इलेक्ट्रिसिटी को बहन कर थाए, जा दे कि इलेक्ट्रिसिटी जाई पारे, ता ना है ग्राफाइट जोड़ा कि पेंसिल रो अग्रभाग रे देखा जाए। ताकु छाड़ी देले कौन सी नॉन मेटल दे कि इलेक्ट्रिसिटी पास करि पारिबो नाही। जदि परीक्षा रे पड़े कौ मेटल हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी बहन करे? योर आंसर इज एजी सिल्वर। जदि परीक्षा रे पड़े कौ मेटल हाईएस्ट हीट को बहन करथाय? सेम, योर आंसर इज एजी सिल्वर। बट जदि क्वेश्चन पड़ी थाए टिके टॉप कर पचार थाए जोटा कि एनटीपीसी रे पचारे प्राय कौ मेटल दे कि इलेक्ट्रिसिटी पास करे बट हीट पास करी पारे नहीं? योर आंसर इज माइका, जोटा कि छोटनागपुर मिले। ओडिशा माइका रे वर्ल्ड नंबर वन थाए, ओडिया जिके रे मध्य पड़े ओडिशा माइका प्रोडक्शन। माइका दे कि इलेक्ट्रिसिटी जाए बट हीट जाई पारे नहीं, सेथिपाई माइका को हम आयरन रो तलपटे यूज करती, हीट दिए बट करेन्ट लगे ना। सिमिलरली आउ गोटे क्वेश्चन मध्य आसी थाए जदि आम आपको टिके चेंज करी पारिबा, टिके मॉडिफाई करी पारिबा, केऊ मेटल दे कि हीट जाई पारे ना बट इलेक्ट्रिसिटी जाई पारे? योर आंसर इज ग्राफाइट। टोटल एलिमेंट रो 108 रु आमर मेटालॉइड साधारण 7। मेटालॉइड माने कौन? जे धातुर किसी गुण अधातुर किसी गुण बोध को धारण करथाय ताकू कहिबा आमे मेटालॉइड। मेटल जदि बापा, नॉन मेटल जदि माँ, ताहले मेटालॉइड हला पिला, जे कि बापा माँ उभयंकर गुण किसी ना किसी धारण करथाय। मेटालॉइड साधारणत तो, आपण मानकर सिलेबस रे सातटी अच्छी। कौन कौन अच्छी? बोरन, सिलिकॉन, जर्मानियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम, पोलोनियम।
बट अष्टानाइन आड हेनी जल्दी आड हो बुक रे आठटी मेटालॉइड किंतु आम एग्जाम सातटी मेटालॉइड पचार ये सातटी मेटालॉइड रे किभरी क्वेश्चन आसीबो ऑड वन आउट भिन्न को बाछ मेटालॉइड सातटा भितर किसी मेटाल कि नॉन मेटाल को से आड करदे परीक्षक आ पचारे भिन्न को बाछ बाघ भितर छेली को बाहर कर आपण मैंने इजिली बाहर करें जदि आप सतटा मेटालॉइड को जाणी मन रखी सतटा मेटालॉइड नाम कौन ना बोरन सिलिकन आर्सेनिक एंटीमोनी जर्मानियम टेलुरियम पोलोनियम बोरन सिलिकन आर्सेनिक एंटीमोनी जर्मानियम टेलुरियम पोलोनियम जदि ए छोट भिडी आपण मानक भल लगे कि 5% नॉलेज इनक्रीज हो भिडटी आप देखिथ आपण को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फॉर वाचिंग किसी लाइक शेयर सब्सक्राइब किसी दरकार नहीं आपण मैने फंडामेंटली क्लियर हेले ताठू बड़ किसी जिनस ना थैंक यू फॉर वाचिंग हैव ए नाइस डे बाय बाय।